देखिए, ये धरना प्रदर्शन अलग अलग संगठन जो भी डेमोक्रेटिक लेफ्ट संगठन है वो साथ में आए, और ये धरना प्रदर्शन एक कानून के खिलाफ है, एक बिल के खिलाफ है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है। वो साफ साफ बिल में ये कहता है और धर्म के आधार पर ये भेदभाव करता है कि जो हिंदू बांग्लादेशी हैं उनको वो एक सिटीजनशिप राइट देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं या हमारे देश में, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी दूसरे धर्म की हो, उनको वो सिटीजनशिप राइट से हटाना चाह रहा है। तो वो ना उनके पास वोटिंग राइट होगा, ना इस देश में रहने का अधिकार होगा। तो सबसे पहले जो भी इस देश में डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है या अपने संविधान में विश्वास रखता है, वो ये बोलेगा कि धर्म के आधार पर कोई भी कानून या कोई भी बिल इस संसद में पेश नहीं हो सकता, क्योंकि हम आज यहाँ पर संविधान बचाने की एक लड़ाई में शामिल हुए हैं। और ये बार बार बोल रहे हैं कि ये सरकार, भाजपा सरकार का जो भी कानून बन रहा है वो हमारे देश में एक बंटवारा पैदा कर रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो। और इस राजनीति से हम हमेशा लड़े, पहले भी लड़ते आए हैं और आगे आने वाले वक्त में भी लड़ेंगे। और ये हम बोलेंगे कि हमारे देश का मुद्दा है गरीबी, हमारे देश का मुद्दा है भुखमरी, हमारे देश का मुद्दा है शिक्षा, उस पर कोई भी ध्यान ना देकर बस ये भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है वो ये ध्यान दे रही है कि कैसे कानून बनाकर देश के लोगों को तोड़ा जाए, इस देश को विभाजन किया जाए, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। इसलिए यहाँ पर बहुत से संगठन, अलग अलग संगठन जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव माइंड सेट के हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस बिल के खिलाफ हैं हम, और कोई भी धर्म के आधार पर जो ये बिल आएगा उसके हम खिलाफ रहेंगे। इसमें बहुत से लोग उसी प्रदेश से आ रहे हैं जिस प्रदेश को ये बांटने का कोशिश कर रहे हैं भाषा के नाम पर या धर्म के नाम पर, उसी प्रदेश से आकर लोग बोल रहे हैं कि ये कानून हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और हम यहाँ दिल्ली में रहकर, हम क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हैं और ये इस बात समझ रहे हैं कि क्या इनका कॉम्युनल एजेंडा है, कैसे ये अलग अलग प्रदेशों पर राज करना चाहते हैं लेकिन उनको बांट कर, तो उसके उस राजनीति के खिलाफ हम यहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।